अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, एंड दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारे चैप्टर 12 का नाम है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रोडाइनमिक, उसकी क्या अप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर, हम उसको कैसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि डेली लाइफ में करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, कैसे ये यूज़फुल है। सो दो टर्म्स को आपने याद रखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले। जो हमारा पहला आर्टिकल है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने से पहले दो चीज़ें हमने डिफ्रेंशिएट करनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है। वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक। That is very important. Before discussing the electric current को discuss करने से पहले electrostatic and electrodynamic को study करना, उसको discuss करना बहुत ज़रूरी है। Electro mean electric charge. Here electro represents electric charge or electricity, or and static means, static के meaning है, that is rest. Again here electro mean electric charge or electricity, but here dynamic mean motion. So किस चीज़ की motion, यहाँ पर किस, क्या चीज़ rest में है, किस चीज़ के rest state की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर किस चीज़ के motion की बात कर रहे हैं। तो answer is very simple. Here we study the electric charges at rest. Electrostatic में हम electric charges की rest में study करते हैं, but in electrodynamic we study about the moving charges, जो charges move कर रहे हैं हम उनकी motion को study करते हैं। So that is called electrodynamic and that is called electrostatic. So electrostatic और electrodynamic में basic difference clear हुआ। The study of electric charges at rest is called electrostatic, and the study of electric charges in motion is called electrodynamic. Remember, एक बात और आपने याद रखनी है, static charge mean एक charge जो rest में रहता है, that always establish an electric field in its surrounding. वो अपनी surrounding में, अपने नेबर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सिमिलरली व्हेनेवर ए चार्ज इज मूविंग थ्रू ए कंडक्टर, जब चार्ज किसी मेटालिक कंडक्टर, किसी वायर से, किसी कंडक्टर से जब मूव करता है, देन इट गिव्स अस ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है, और एक स्टैटिक चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई मेरी बात? सबसे पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या फर्क है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिक स्टैटिक के मीनिंग आने चाहिए और डायनामिक मीन। सो स्टैटिक मीन रेस्ट, डायनामिक मीन मोशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड द स्टडी ऑफ electric charges in motion is called electrodynamic. So a static charge always gives or establish an electric field. Hamesha ek electric field apne neighbor mein, apni surrounding mein kya karega? Electric field, ye sari iski surrounding hai, electric field generate karega. Ye Michael Faraday ne hame kaha tha. Similarly Michael Faraday ne is cheez ko express kiya ke एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब किसी कंडक्टर से मूव करता है, देन इट
gives us, then it produces a magnetic field. ये एक magnetic field produce करता है, generate करता है. For example, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास एक metallic wire है. This is a wire, एक metallic wire है. और इसमें ये जो arrowhead में लगा रहा हूँ, ये arrowhead represent करता है electric current को. अभी हमारा वो next article है, मैं थोड़ा सा इसको समझा के उस चीज़ की तरफ उसको briefly express करूँगा मैं. ये करंट है, दिस इज करंट. तो ये करंट मिलता कैसे है? तो आंसर इज वेरी सिंपल. करंट मिलता है चार्जेस की मोशन से. जब चार्जेस मेटालिक कंडक्टर में मूव करते हैं तो आपको करंट मिल जाता है. यही करंट की डेफिनेशन है. द मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये तो आपको एक वायर, सिंपल सी एक लाइन नजर आ रही है जो एक मेटालिक वायर है, एक मेटालिक कंडक्टर है. कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, दैट इज कंडक्टर. तो इसमें मैंने एरोड से रिप्रेजेंट किया कि इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये चार्ज इसके अंदर दौड़ रहा है. ये चार्ज इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर दौड़ रहा है, इसके अंदर मूव कर रहा है. जब ये चार्ज दौड़ेगा तो करंट मिलेगा, और जब करंट मिलेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको मिलती है यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में. ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ कि दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए अगर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताऊँ, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी बट समझिए इसको. इसके लिए आपको एक पावर सोर्स भी चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक सेल चाहिए. प्लस माइनस के साथ आपने इसको अटैच कर दिया ये वायर को. यहाँ से ये आपके पास वायर का दूसरा एंड है. यहाँ देखिए इसको, ये आपके पास सिंपल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके पास एक शीट है, एक कार्डबोर्ड है ऐसे. तो इसके सेंटर से आपने एक होल बना दिया, एक वायर को आपने यहाँ से गुजार दिया, और वायर के एक एंड के साथ आपने प्लस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक दूसरे एंड के साथ आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया. जब हम इसको यहाँ से पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ इसके अंदर चार्ज कैरियर मूव करेंगे, चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे. ये ऐसे चार्ज इसके अंदर मूव करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस इसमें दौड़ेंगे. तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट. तो हम ये देखना चाहते हैं, ये माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है. तो आंसर इज यस. उसने प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव किया. तभी मैं यहाँ पर ये जो सर्कल ड्रा कर रहा हूँ कि ये क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है. जैसे यहाँ पर एक स्टैटिक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो यहाँ पर एक डायनामिक चार्ज क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. कि जो चार्ज इसके अंदर दौड़ रहा है, जो चार्ज इस वायर के अंदर दौड़ रहा है, मूव कर रहा है, वो चार्ज हमें क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. पहले तो करंट दे रहा है, करंट बना रहा है, और जब करंट बन रहा है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है. और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है. करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. आइए देखते हैं. याद रहे कि ये वायर आपके पास ऐसी है कि इस वायर के ऊपर इंसुलेशन कवर है, प्लास्टिक का कवर इसके ऊपर इंसुलेशन है. इसके अंदर कॉपर की वायर है जो आपको, अगर आप इंसुलेशन उतारे हैं तो अंदर से आपको तीन चार वायर मिलती हैं. जब आप घर हाउस वायरिंग करते हैं तो अगर आप उसको ऊपर से इंसुलेशन उतारे हैं तो उसके अंदर से आपको कुछ वायर्स मिलती हैं. तो इस जगह से आपने वायर को थोड़ा सा बेयर किया हुआ है, नंगा किया हुआ है. कैसे, आपने इंसुलेशन उतारी हुई है इस जगह से, यहाँ से आपने इंसुलेशन थोड़ी सी उतार दी, ठीक है. जहाँ से वायर शीट में, कार्डबोर्ड में जो शीट है आपके पास, ये वाली शीट, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, जैसे ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर से यहाँ पर आपने क्या करना है, होल बना के वायर को गुजार दिया. लेकिन जहाँ से वायर गुजर रही है उसकी सरफेस के ऊपर से थोड़ा सा आपने इंसुलेशन उतार दिया. क्लियर हो गया? मान लीजिए कि आपने इंसुलेशन उतार दिया, यहाँ से आपने इंसुलेशन उतारा हुआ है. ओके, जब आप इंसुलेशन उतार देते हैं और फिर यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, आंसर इज यस. मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होता है, महसूस होता है, आप उसको प्रैक्टिकली फील करते हैं. करंट फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया.
अब यहाँ पर इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंपस नीडल चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे कंपस नीडल आपने रखती है। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्रेस करता हूँ ताकि आपको ठीक से बात समझ आए। जैसे ये वायर आ रही थी इसमें से, तो आपने कंपस नीडल रखे यहाँ पर, सॉरी ये कंपस नीडल आपने इस तरह सर्कुलर फॉर्म में रख दिया ऐसे, ये ठीक है। अब इसका एरोहेड इधर था, करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, क्लियर। ये कंपस नीडल ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, फॉर एग्जांपल ये ऐसा था टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका ये हेड होता है, ये एरोहेड। ये कंपस नीडल आपने स्टार्ट में ऐसे रखे किसके ऊपर, इस शीट के ऊपर, यहाँ इस शीट के ऊपर आपने एक कंपस नीडल यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ। जैसे ही करंट ने फ्लो किया तो इस कंपस नीडल का ये जो एरोहेड था, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया ऐसे, इसने अपने आप को अलिंज कर दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसने अपनी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन के अलिंज कर दिया, अरेंज कर दिया उसकी डायरेक्शन के मुताबिक। करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये कंपस नीडल ऐसे बन हो गई। जब कंपस नीडल का सबके एरोहेड ऐसे अरेंज हो गए, अलिंज हो गए, तरतीब दे दिया उन्होंने इसको इस करंट की डायरेक्शन के मुताबिक, तो हमें पता लगा कि इसके सराउंडिंग में यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली यहाँ पर है। अगर हम, एक तो आपके पास ये मेथड है जिस मेथड से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम छोटे छोटे आयरन के पीसेस यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे। अब मैं वायर को यहाँ से गुजार के दिखा रहा हूँ आपको ऐसे कि ये वायर यहाँ से गुजर रही है एक्चुअली। तो जहाँ से आपने वायर को बेयर किया हुआ है, इंसुलेशन उतारा हुआ है, जैसे मैंने ये वायर आपको दिखाई, ये पोर्शन आपने इंसुलेशन उतार दिया है, यहाँ से वायर क्या हो गई, बेयर हो गई, नंगी हो गई, अंदर से आपको कॉपर की वायर दिख रही है, आप छुएंगे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आयरन के पीसेस बिखेर दिए, छोटे छोटे आयरन के पीसेस आपने बिखेर दिए। अब अगर ये आयरन के पीसेस जो आपने यहाँ बिखेरे हुए हैं, अगर वो इस वायर जहाँ से नंगी है उसके साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, इफ़ दी पीसेज ऑफ आयरन स्टिक टू दी बेयर वायर, अगर ये इसके साथ चिपक जाते हैं जो यहाँ पर थे, यहाँ से मैंने अभी इनको गायब कर दिया, दैट मीन्स के ये आपके पास जो वायर आ रही थी, ये अब यहाँ पर आपने आयरन के पीसेस ये फेंके हुए हैं और ये आयरन के छोटे छोटे पीसेस स्टिक हो गए इस वायर के साथ, ये ऐसे ही अगर आयरन के पीसेस इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं लाइक दिस, यहाँ से ख़त्म हो गए सब, इसके साथ चिपक गए सब, तो क्या हमें पता चला, फिर हमें ये पता चला कि इस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड ने इन आयरन के पीसेस को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक मूविंग चार्ज क्या देता है हमें, एक मूविंग चार्ज हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं। वो टेस्ट चार्ज आपने क्या किया, इसके करीब रखा, ये टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को जब आप यहाँ लेकर आए तो कुछ इफेक्ट ना हुआ, ना उसको फोर्स ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव मिली ना अट्रैक्टिव मिली, इसलिए कि ये उसकी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, उससे बाहर था। जब आपने इस टेस्ट चार्ज को और करीब लेकर गए, और करीब लेकर गए, और करीब लेकर जाते रहे आप, तो आपने देखा कि उसको रिपल्सन मिल रही है, उसको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मिल रही है इस चार्ज की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक रियल चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना असर दिखा रही है, उस चार्ज को क्या कर रही है, रिपल कर रही है। तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और यूं आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड देता है, और एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपनी सराउंडिंग में, और एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और उसकी इलेक्ट्रिक करंट से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस एक्टिविटी से प्रैक्टिकली प्रूव किया कि एक मूविंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए। हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने पहले एक्सप्रेस किया, ये हमारा पहला आर्टिकल है 13.1। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी वायर से, किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब चार्जेस कंडक्टर से गुजरते हैं, फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बना देते हैं। सिंपल के चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है, चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी ही वायर बना लेता हूँ, ये आपके पास एक वायर है, लेकिन इस वायर को मैं थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, थोड़ा इसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा करके दिखाता हूँ आपको, कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। ये इसके अंदर मैं आपको चार्ज दिखा रहा हूँ, ये इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसे ही मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का, ये इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसके अंदर चार्ज दौड़ रहा है जिसको हम डेल क्यू कहते हैं, दैट इज चार्ज। ये डेल क्यू चार्ज यहाँ से ऐसे गुजरता है, कितने टाइम में, डेल टी टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इफ डेल क्यू इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन इन टाइम डेल टी, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सिंपली यू कैन डिफाइन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट, आर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस इन एम्पियर्स, इट्स यूनिट इज एम्पियर। इसका यूनिट कैसा है, इट्स यूनिट इज एम्पियर, एंड एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास चार्ज, चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम पर सेकेंड। सो जब आपको कूलम पूछा जाए कि कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, राइट, और एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, सो इसका यूनिट है। सो हाउ यू कैन डिफाइन एम्पियर, फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एम्पियर, कि एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, हाउ यू कैन डिफाइन एम्पियर। सो एम्पियर इज डिफाइन एज इफ ए चार्ज ऑफ वन कूलम पासिस थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकेंड इन यूनिट टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि अगर एक कूलम चार्ज, कितना चार्ज, इफ वन कूलम चार्ज पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकेंड, अगर एक सेकेंड में एक कंडक्टर से एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर। मैं डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा नहीं, राइट नहीं करूंगा यहाँ पर बोर्ड पे, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ फिर से। इफ ए चार्ज ऑफ वन कूलम, अगर एक कूलम चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, इफ ए चार्ज ऑफ वन कूलम पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन वन सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर। सो बाई डेफिनेशन वी कैन एक्सप्रेस इट एज डेल क्यू अपॉन डेल टी। सो आई इज करंट एंड दैट इज एम्पियर, सो वन एम्पियर इज डिफाइंड एज वन कूलम अपॉन वन सेकेंड। सो यू कैन डिफाइन इट एज इफ ए चार्ज ऑफ वन कूलम पासिस थ्रू ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वन एम्पियर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। चूंकि डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है, तो इसलिए नेचर ऑफ
चार्जेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल, के कौन से मटेरियल में जो आपको करंट मिलता है तो वो किन चार्जेस की वजह से मिलता है, कौन से चार्ज कैरियर हैं, वहाँ पर कैरियर कौन है, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटालिक कंडक्टर, सेकेंड वन दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, एंड थर्ड वन इज गैसेस, एंड फोर्थ वन टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज सेमी कंडक्टर्स। सो मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस एंड सेमी कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर मीन जितनी भी मेटल्स हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हुआ नजर आता है, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है, चार्जेस का फ्लो आपको वहाँ मिलता है। सो मेटालिक कंडक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो कौन से चार्ज कैरियर का है, आपने ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, ये एक अलग मटेरियल है, तो इस मटेरियल के अंदर कौन से चार्ज कैरियर हैं। सो इन मेटालिक कंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से फ्लो करता है, करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है करंट के लिए वो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट इज ए सर्टेन टाइप ऑफ सोल्यूशन, सर्टेन टाइप ऑफ लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक H2SO4 or you can say CuSO4, copper sulfate solution or sulfuric acid। ये जो solution है, इन solutions के अंदर charge carrier कौन है, that means कि ये जो solution है आपके पास, इस solution में आपको current मिलता है, इसमें आपको current मिलता है, इसमें current होता है, तो उसमें current pass करता है, तो कौन है charge carrier, कौन है। मैंने पहले clear किया कि current मिलता कैसे है, करंट किस चीज का नाम है, तो करंट चार्ज कैरियर के फ्लो का नाम है, चार्ज कैरियर का फ्लो होना करंट है। यहां पर तो पता चल गया आपको कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, बट इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ लिक्विड है, सर्टेन टाइप ऑफ सोल्यूशन है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहते हैं, उन स्पेसिफिक सोल्यूशन को कहते हैं, उन लिक्विड्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी उसमें मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसके भी ऑफ में मिलता है, तो आंसर इज इन इलेक्ट्रोलाइट द करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से आपको करंट मिलता है, किस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सिमिलरली गैसेज में कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो गैसेज में कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन्स। इन गैसेज करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं गैसेज में इलेक्ट्रिसिटी के लिए या इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इन गैसेज करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर वो मटेरियल है जो पार्शली कंडक्टर होते हैं, जो प्योर कंडक्टर नहीं होते, जिस तरह आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, ये आपके पास प्योर कंडक्टर हैं, बट सेमी कंडक्टर होते हैं, दैट मीन्स कि पार्शली कंडक्टर होते हैं, वो उनकी कंडक्टिविटी कॉपर जैसी नहीं होती, एल्युमिनियम जैसी नहीं होती, जो प्योर कंडक्टर हैं उन जैसी नहीं होती, और कुछ इंसुलेटर होते हैं जैसे वुड है, आपके पास प्लास्टिक है, डायमंड है, तो ऐसे भी नहीं होते कि वो डायमंड और वुड को फॉलो करें, और ऐसे भी नहीं होते कि वो फॉलो करें कॉपर को, सिल्वर को, उस तरह की नेचर नहीं होती उनकी। उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है, करंट फ्लो करता है, लेकिन उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है, और ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लाइक सिलिकॉन है आपके पास, जर्मेनियम है, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, शायद आपको नीचे बोर्ड क्लियर ना हो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में
सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन मेटल्स. द चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? सर्टेन टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. एंड इन इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इन गैसेस द करंट फ्लोज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस. एंड इन सेमीकंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कन्वेंशनल करंट एंड देन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड देन अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी करेंगे. एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई क्या सिचुएशन होगी. जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी. देन हम सोर्सेज ऑफ करंट की तरफ बढ़ेंगे. सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.